Hello everyone, welcome back to my channel, The Girly Stuff. I am Prashika. जैसे थंबनेल से आपको पता ही चला होगा कि आज का वीडियो किस पे बेस आने वाला है. इट्स इज ऑल अबाउट पेडिक्योर. आप घर पे भी बहुत अच्छे से पेडिक्योर कर सकते हो. आपको महंगे महंगे पार्लर्स में जाके पेडिक्योर पे बहुत पैसा खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप बहुत सस्ते में बहुत अच्छे से और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आए. पेडिक्योर करना है तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, पर ठीक है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे. आप थोड़ा टाइम इसके लिए दे ही सकते हो. आई मेक श्योर इसके रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे. आप 15 दिन में एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं और महीने में 2 बार, और आप 2-3 महीने कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखेंगे. आपका पैरों पे का टैन वगैरह भी होगा, वो भी सब कुछ चला जाएगा. सो ज़्यादा बोर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर आपके नेल्स में नेल पॉलिश होगी तो पहले आपको उसको रिमूव करना है. मैं यहाँ L18 का नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा रिमूवर है और बहुत ही सस्ते में भी मिल जाता है. नेल कटर से या अच्छे से नेल के कॉर्नर को साफ कीजिए, अच्छे से उसको शेप दीजिए. फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग. उसके लिए आपको 1 स्पून ग्राम फ्लावर यानी बेसन, 1/2 स्पून शुगर यानी शक्कर, और उसको पेस्ट बनने तक जितना मिल्क लगेगा उतनी क्वांटिटी मिल्क लेनी है एंड उसको अच्छे से मिक्स करना है. ये बहुत ही अच्छा DIY क्लींजर है, टू ब्राइट योर फीट. इस DIY क्लींजर को अच्छे से पूरे पैर पे अप्लाई करो. एंड वेट फॉर 10 मिनट्स. उसके बाद मिल्क लेके उसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में रब करो. ये बहुत ही अच्छा क्लींजर है और आपके घर में ये सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल भी होंगे. फिर एक कॉटन पैड के मदद से उसको क्लीन करो और पानी से अच्छे से वॉश कर लो और ड्राई कर लो. एक टब में गुनगुना पानी लो, ज़्यादा गर्म मत लेना. आप जितना सहन कर सकते हो उतना ही गर्म पानी लीजिए. दो स्पून नमक, 1 स्पून हनी एंड 1 स्मॉल बाउल रोज वाटर, उसको अच्छे से मिलाइए. मैं यहाँ अंदाजे से सब डाल रही हूँ. 2 स्पून एनी शैम्पू, और आप बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं. शैम्पू यूज़ करने के वजह से आपके पैरों में एक अलग सी अच्छी शाइन आएगी. मिक्स इट वेल. मैंने इसको थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए रोज पेटल यूज़ किए, आप भी कर सकते हो. इस पानी में पैरों को डालिए और अच्छे से 20 मिनट तक रहने दीजिए. इससे आपकी बॉडी माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और आप बहुत अच्छा भी फील करोगे. 20 मिनट होने तक आप अच्छा सा एक म्यूज़िक भी एंजॉय कर सकते हो और रिलैक्स हो सकते हो. लगभग 20 मिनट होने आए हैं. कोई भी फूड क्लींजर के मदद से आप अच्छे से रब कीजिए
डेड स्किन को रब कीजिए। हील की स्किन को अच्छे से रब कीजिए, जिसके वजह से आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। आपका हील भी बहुत स्मूथ और अच्छा लग दिखेगा। ब्रश या लूफा की हेल्प से आप अच्छे से क्लीन कर लेना। अभी कोई भी आपका पसंद का मॉइस्चराइजर लेके उसको अच्छे से आपके नेल्स पे अप्लाई कीजिए। मैंने यहाँ पॉन्ड्स का यूज़ किया है, इससे आपके नेल्स को मॉइस्चराइज आपके नेल्स मॉइस्चराइज होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और आपके नेल्स पे का जो येलो रहता है नेल पॉलिश के वजह से होता है, वो भी चला जाएगा। वापस 10 मिनट इसको पानी में पैर पानी में डाल के रखिए। अभी तक पानी थोड़ा ठंडा हुआ होगा, बट इट्स ओके। आफ्टर 10 मिनट्स पैरों की अच्छे से मसाज कीजिए, इससे आपको और ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। पेडिक्योर करते वक्त आपके पैर तो सुंदर ही होते हैं, बट आपका माइंड, आपकी पूरी बॉडी भी बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। आप बहुत अच्छे से खुद को पैम्पर कर लेते हो। अभी टब में से पैरों को निकाल लीजिए, उसको ड्राई कीजिए, फिर उसको वापस अच्छे पानी से वॉश करके वापस ड्राई कर लीजिए। अभी बारी है फुट पैक की। उसके लिए 2 स्पून मुल्तानी मिट्टी, 1 स्पून चंदन पाउडर और उसका पेस्ट होने के लिए जितने क्वांटिटी में रोज़ वाटर लगेगा उतना रोज़ वाटर लेना है। और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, लम्स फ्री बनाइए। और ये मैं आपको प्रॉपर क्वांटिटी बता रही हूँ। अच्छे से ये DIY पैक आपके पैरों पे अप्लाई कर लीजिए। मिनट तक इसको आपको रखना है, न्यूज़पेपर नीचे डालो, जिसके वजह से आपको ज़्यादा गंदगी ना हो और आपको ज़्यादा साफ सफाई भी ना करना पड़े। 20 मिनट हो गए, इसके अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है। अभी आपको रोज़ वाटर स्प्रे करना है और अच्छे से टैप करना है। बहुत ज़्यादा अच्छा फर्क दिख रहा है। आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र लेके अच्छे से पैरों को मॉइस्चराइज कर लीजिए और नेल्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छे से एक अच्छा सा नेल कलर आपको अप्लाई करना है। पैरों की जो नेल्स होते हैं उस पर तो ज़्यादातर डार्क कलर ही सूट होते हैं, तो आप ट्राई करिए डार्क कलर यूज़ करना, जिससे आपके पैर और ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। यू लाइक माई वीडियो, पसंद तो आया ही होगा। ज़रूर ट्राई करके देखिए इसको, ये सच में फर्स्ट इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके रिप्लाई के लिए वेट करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। घंटी को बजाना भूलना मत, क्योंकि उससे मेरे न्यू न्यू वीडियो के अपडेट आप तक आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते, तो गो एंड शेयर, पसंद तो आया ही है ना, देन ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं सीरियसली बता रही हूँ, इसको इसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और कंटिन्यू यूज़ से तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखने मिलेगा। सो कीप सपोर्टिंग गाइज। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैंने अभी अभी टकाटक का आईडी भी ओपन किया है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। गो एंड फॉलो। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, लव यू, बाय। सब्सक्राइब द चैनल जल्दी एंड लाइक।